सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाए हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस अभी आप टाइम देखो, अभी जो टाइम हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आप 12:30, रात को 12:30। आज का दिन दोस्तों ऐसा ही गया, और आज मैंने दोपहर को 90 रुपीज़ का पेट्रोल भराया था, और अभी क्या अभी पेट्रोल भरा के आ रहा हूँ 180 रुपीज़ का अभी का ही पेट्रोल भराया। तो मैंने ध्यान रखा, जब से मेरा गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा तब से मैंने ध्यान रखा कि मेरा गाड़ी का जो पेट्रोल है वो जितना जल्दी से हो सके या जितना बेहतरीन से हो सके सेल जो पेट्रोल बैंक है वही से पेट्रोल भरने का कोशिश कर रहा हूँ। आज घर का खाना नसीब नहीं हुआ, घर में आज नहीं आया। तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने बजे मैं घर में, मेरा पहला ट्रिप था शायद 9:30 बजे कुछ पहला मेरा ट्रिप था, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, और लास्ट का ट्रिप भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख पाओगे। तो अभी मैं रिटर्न घर में आया, मतलब तभी से मैं घर में नहीं आया, खाना भी आज घर में बाहर खाया, तो खुश का खाया, बिरयानी का राइस खाया। आज चारों तरफ था खुशी का माहौल, क्योंकि दशहरा का मंजर था पूरा, सभी दुकान वाला सभी जो है दुकानें पेंट करना धोना सभी घूमने जाना फैमिली को लेकर, और वो टाइम पे मैं यहाँ पे बंदा हूँ जो काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं, मेरे जैसे जितने सारे बंदे लोग हैं जिन लोग चाहते हैं कि जोमेटो का ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर के दिन में काम करना मेरे जैसा, तो उन लोग काम कर रहे हैं। आज एक डिलीवरी लेने गया था एक होटल में, जो होटल का नाम है पार्क स्ट्रीट रेस्टोरेंट। तो पार्क स्ट्रीट सुनते ही दोस्तों मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि पार्क स्ट्रीट जो है वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, बंगाली लोगों से जुड़ा हुआ है, तो दिल में लगा कि आप बंगाली रेस्टोरेंट हो सकता है। मैं गया देखा तो बंगाली रेस्टोरेंट है, और वहीं पर मिला कुछ बहुत सारे कुछ बंगाली खाना बना, और उसके साथ बंगाली मिष्टी दुकान मतलब मिठाई की शॉप भी है उसके साथ, कुछ मिठाई लेके आया खाने के लिए। और एक बार खास तरीके से वो होटल विजिट करेंगे जाएंगे, जिन लोग बंगाली हो अगर आप में से किसी को भी चाहिए बंगाली खाना बंगाली रेस्टोरेंट मतलब बंगाली मिठाई का दुकान चाहिए, तो उसका भी आता पता मिल जाएगा वो वीडियो में। पुलिस डॉक्टर इन सभी का जैसा कि छुट्टी नहीं रहता है, तो हम लोग को भी छुट्टी नहीं रहता है, हम लोग चाहेंगे तो छुट्टी लेना, मतलब हम लोग दूसरे दिन छुट्टी ले लिया, आज भर के काम किया, तो इस तरीके से मतलब छुट्टी चाहे तो छुट्टी ले सकता, मगर हमारा आज के दिन में छुट्टी नहीं है। एक बार बहुत खराब लगा कि आज के दिन में हम लोग काम किया, मतलब खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, डिलीवरी बॉय आ रहा है, 25 ट्रिप्स किया, 25 ट्रिप्स में से एक कस्टमर ऑनलाइन टिप्स दे दिया था 30 रुपीज़ का, और एक कस्टमर मुझे 20 रुपीज़ का टिप्स दिया था,
बाकी 23% ऐसे मतलब ऐसा ही रहा कि टिप्स ज़्यादा दूर की बात विशेष भी नहीं किया कि चलो अच्छा मतलब एक जो विशेष होता है दशहरा का विशेष वो विशेष भी नहीं किया, कोई मिठाई तक भी नहीं दिया। तो ये मतलब बहुत ही खराब मजरा लगता है कि जब आप एक डिलीवरी बॉयज के हिसाब से काम करते हो तो आपको जो है कोई आपको मतलब जो है ना इज्जत नहीं करते, आपको जो है एक रिस्पेक्ट नहीं करते कोई भी, मतलब चाहे वो कस्टमर हो जिसके लिए आप खाना लेके जा रहे हो और चाहे वो रेस्टोरेंट वाला हो मतलब जिसका खाना आप सेल करवा रहे हो, मतलब आपके जरिए से वो सेल हो रहा है ना, हमारे ऐसा डिलीवरी बॉयज के जरिए से उसका खाना सेल हो रहा है कस्टमर को, और ना तो वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब हम गए तो बाहर निकलो उधर बैठे उधर ले करो पीछे जाओ उधर जाओ, मतलब ये जो तरीका है ना, अगर वो तरीका अगर कस्टमर के साथ कर लिया होता मतलब वही कर लिया कोई तो कस्टमर घूम के भी दूसरा दिन उस दुकान में नहीं आएगा। तो एक बात बहुत खराब लगता है क्योंकि हम हमारे वजह से वो कस्टमर का खाना लेके जा रहे हैं हम, उन लोग अगर हमें एज ए कस्टमर ही प्रेफर करें तो क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ रेस्टोरेंट वाले को बता रहा हूँ मैस्टेंट वाले को बता रहा हूँ कि हम कस्टमर का खाना लेके जा रहे हैं तो कस्टमर दुकान पर नहीं आया हम कस्टमर का खाना लेके जा रहे हैं, तो अगर हमें भी एज ए कस्टमर मतलब बिहेव करें कितना अच्छा लगता है जिंदगी। बहुत दिन के बाद जब से मैंने जोमेटो पे काम करना छोड़ दिया था तब से दोस्तों आज ऐसा के फुल डे काम मैंने कभी तक नहीं किया, शायद सुबह में 9:30 से लेकर रात को 12:30 तक काम करना, तो मतलब कितना टाइम हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको जो है स्क्रीनशॉट मिल जाएगा कितना घंटा मैं लॉगिन था और कितना डिलीवरी में किया, हालांकि 24 डिलीवरी करना था मगर मैंने और एक कर दिया, और एक इसीलिए कर दिया कि चलो कहीं बीच में अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो एक डिलीवरी के लिए 700 रुपये मेरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है 9 डिलीवरी 200 रुपये है 600 रुपये है और 16 डिलीवरी में 1100 रुपये है और 24 डिलीवरीज में 1800 है, लास्ट का डिलीवरी में और एक डिलीवरी में कर दिया। क्योंकि आज जो है सार्स पे था, लंच पीक में एंड डिनर पीक में जितने भी आप डिलीवरी करोगे उसके पे एक एक डिलीवरी में आपको 20 रुपीज़ का सार्स पे था, तो वो सार्स पे होने के नाते आज का जो मेरा कितना कमाई हुआ, मतलब मैं सोच रहा था कि 24 डिलीवरी करेंगे तो 1800 रुपये जो मुझे मिलने वाला है शायद बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, मगर देखा कि 24 डिलीवरीज किया मगर इनकम वही ये दिखा रहा है, मतलब इनकम उतना ही हो जाएगा क्योंकि यही पे मुझे अभी 1400 समथिंग दिखा रहा है, उसके साथ साथ इंसेंटिव भी है 999 हो गया ऑर्डर पे में, तो 1800 रुपीज़ मुझे मिलने वाला था मिनिमम गारंटी उसका आसपास, मतलब 1750-1800 करीब करीब मैंने कमा ही लिया आज 24-25 डिलीवरी करके। अगर आप डेली में मतलब डेली में डेली इस तरीके से काम कर पाओगे, दिन में आप 1100-1200 रुपये कमा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी टेंशन कमा सकते हो क्योंकि जोमेटो में ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑर्डर फ्लो है और आप इनकम कर सकते हो। बट एक बात जरूर है कि जैसा कि आज मैं इतना थक गया हूँ, इतना मतलब इतना घंटा काम करते इतने थक गया हूँ, तो कल मुझे दिल नहीं लगता कल मुझे काम करने के लिए, बट क्या है कल भी ऑफर है, कल आज जो है 1800 का ऑफर था, कल 1700 का ऑफर है, तो 3500 दो दिन में इनकम करने का मौका है और
ये महीने में मैंने बहुत कुछ कमाया भी नहीं, मतलब ये जो रनिंग महीना है अक्टूबर महीना है, मैंने बहुत कुछ इनकम कम किया, वर्क फ्रॉम होम किया, एफिलिएट मार्केटिंग का काम किया, यूट्यूब का काम किया। तो मैंने जो है ये वीक में, मतलब ये मंथ में, अक्टूबर मंथ में मैंने बहुत कुछ काम कम किया। तो सोचा कि चलो आज और कल का जो ऑफर है 3500 का जो कमाने का मौका है वो हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, तो मैं कल भी काम करने वाला हूँ। कल भी सुबह में 8:30 बजे उठ जाऊँगा। जल्दी से जल्दी, मतलब सुबह के अगर नाश्ता के टाइम पे अगर 5-6 डिलीवरी आप कर लोगे, तो शाम को जो रात को आने का टाइम पे, मतलब आपको जो है शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटा लॉगिन रहना पड़ता है कंपलसरी। तो 10 बजे के बाद ही आप फॉरन लॉगआउट करके घर में आ सकते हो। बट आप देखो यहाँ पे क्या है, 12:30 बज चुका है, तो कल शायद मैं जल्दी कर पाऊंगा अगर मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। मुझे एक एक जगह में, ऐसा जगह में लेके गया, मतलब कोथनूर में, कलकरे में, इतना बाहर बाहर रोड में लेके गया, इतना खराब लगा, मतलब वहीं पे रोड भी नहीं है। जब मैं अमेजन में डिलीवरी करता था, इतना खराब खराब रोड में, तो रात को 10 बजे डिलीवरी में जा रहा था, उसका रोड ही नहीं मालूम, मतलब इधर से जा रहा हूँ, उधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, मतलब खेरे खेरे है, मतलब क्या बोलते हो, मतलब रोड ही नहीं है, ऐसा जगह है। और आज मुझे 3-4 बार मतलब प्रॉब्लम हुआ जो है, अगर शायद वो प्रॉब्लम नहीं होता था तो मैं जल्दी से घर में आ सकता था। 2-3 बार क्या हुआ, कस्टमर ने कैश दिया और वो कैश जब तक मैं बैंक में ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक रहेगा, क्योंकि मेरे पास बैंक में एकदम जीरो हो गया था मनी। उसके बाद क्या हुआ कि अगर मेरे पास पैसा रहता था तो मैं मेरा अकाउंट से उसको जोमेटो को पे करता था, बट क्या हुआ कस्टमर ने कैश दिया, कस्टमर को पूछा मैंने सर पेटीएम या फिर फोन पे दे दो, कस्टमर के पास भी नहीं है, तो पैसा लिया फिर बैंक को गया। थैंक गॉड कि मेरे पास स्टेट बैंक का अकाउंट है, और स्टेट बैंक का अकाउंट होने के नाते कोई भी अगर बैंगलोर में कोई भी स्टेट बैंक का अगर अपने लोकेशन में चले जाओगे, ब्रांच में चले जाओगे, वहाँ पे CDM मशीन रहता ही है। तो कहीं कहीं एक ही जगह में नहीं रहता है, मतलब प्रॉब्लम रहता है, मगर सभी जगह में रहता है CDM मशीन। तो CDM मशीन का मैंने सहारा लिया 2-3 बार, क्योंकि 2-3 बार मुझे अकाउंट ब्लॉक हो गया, 10-15 मिनट ब्लॉक हो गया, मैं मैप ढूंढ के गया बैंक के पास, उसके बाद उसको डिपॉजिट करवाया। तो ऐसे में दोस्तों देखोगे कि 2-3 बार मुझे एक मिनिमम आधा घंटे से 1 घंटा मुझे वेस्ट हो गया, मतलब लॉग आउट में था मेरा एप्लीकेशन। उसके बाद खाने के टाइम पे आधा घंटा लॉग आउट किया था, मैं 2-3 बार एकदम आउट ऑफ लोकेशन में चला गया था, वो टाइम पे मतलब फिर से लोकेशन में आने के लिए भी मुझे जो है आधा घंटा 1 घंटा मुझे वहीं से वेस्ट हो गया। मतलब दिन का अगर बात करूं, ये जितने घंटे मैं लॉग इन में था उतने घंटे में 2-3 घंटा मेरा इस तरीके से वेस्ट हो गया। तो आप भी ध्यान में रखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसको CDM मशीन में डालोगे, कुछ भी करवाओ कि विषय मेरे साथ सही हुआ है तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था, इस तरीके से हुआ था। कल मेरे साथ और एक प्रॉब्लम हुआ था जो मैं आप लोगों को जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आपका फ़ोन 15% से चार्ज कम हो जाता है, अगर आपका फ़ोन 8% 9% 10% रहता है तो आपको ऑटोमेटिकली जोमेटो ब्लॉक कर देता है। 15% जब तक चार्ज नहीं होगा आपका फ़ोन तब तक आपको जो है लॉग इन नहीं कर सकते हो, ये एक बात है, ठीक है। एक मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये मेरे साथ कल हुआ था, आज नहीं हुआ, तो चाह के मैं आप लोग बता दूं। और एक बात कि आज दोस्तों सुबह से अच्छा मौसम था, एकदम कड़क मौसम था, काम करने लायक मौसम था, मतलब गर्मी था, धूप था, बहुत अच्छा था। शाम के टाइम पे थोड़ा बारिश आने कोशिश किया, मतलब बारिश आ गई था, आप देख सकते हो रेनकोट में पहन लिया था, तो आधा घंटा बारिश हो गया था। तो जब मैं राममूर्ति नगर में था वो टाइम पे आधा घंटा बारिश आया था, और आज वीरेंद्र के साथ काम बात भी हो रहा था, वीरेंद्र आज जो है राजेंद्र नगर में एंड विजयनगर में काम कर रहा था, और वो आज 11:30 बजे लॉग इन किया था। मतलब आप सोच सकते हो सुबह में 11:30 बजे लॉग इन किया बंदा, और मेरे से आधा घंटा 1 घंटा पहले उसका काम खत्म हो गया, और आज खाली है तो वो जो है राजेंद्र नगर में विजय नगर में काम किया, और मेरा पूरा के पूरा ऑल ओवर लोकेशन ऑन था, इधर उधर भगाया मेरे को, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा जो मतलब वीरेंद्र भाई ने 11:30 बजे लॉग इन किया और मतलब मेरे से आधा घंटा पहले ही लॉगआउट करके आ गया, बहुत अच्छा लगा, उसका भी आज टारगेट कम्प्लीट हो गया। तो उसके बाद हो रहा था कि पूरा बेंगलुरु में आज बारिश बहुत ही कम था, मतलब कम बोले तो कम, जस्ट बारिश शुरू हुआ आधा घंटे के बाद मतलब बंद हो गया,
बट वो एक चल रहा था जिसके वजह से मोबाइल का भी जैकेट पहनाना पड़ा और मेरा का भी जैकेट पहनाना पड़ा। तो आधा घंटा एक घंटे तक बारिश का झोंका था, बाद में ख़त्म हो गया। तो इतना कुछ था दोस्तों आज का दिन का सफ़र। ये वीडियो एक तरीके से अधूरा रहता है क्योंकि मैं कल दोस्तों जो है जब मैं घर में आया था मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था और मैं मेरा गाड़ी का जो ओडोमीटर था वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। अगर मैं कल का दिन में मेरा गाड़ी का ओडोमीटर कैप्चर कर पाया था तो आज का दिन में इतने जो पूरा सफ़र है घर से निकलना घर से आना और 25 डिलीवरीज करना कितना किलोमीटर मेरा कैप्चर होता था मुझे मालूम होता था। बट मेरे हिसाब से अगर मैं एक सोचूं कि मिनिमम से मिनिमम मुझे जो आज का गाड़ी मुझे 200 किलोमीटर चला है क्योंकि जब मैं दोपहर में गाड़ी का पेट्रोल भराया था खाना खाने के बाद जब मैं थानी सरना में था और वहाँ पे जब पेट्रोल भराया था सेल पेट्रोल बंक में तब मेरा गाड़ी का ओडोमीटर था 4009 समथिंग और अभी का गाड़ी का ओडोमीटर देख सकते हो कितना है अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो करीब करीब दोपहर से अभी तक 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है और मैं सुबह में जैसे घर से निकला था तब से लेकर दोपहर 4 बजे तक मेरे हिसाब से करीब करीब 100 किलोमीटर गाड़ी चल गया था। तो मेरे हिसाब से आज के दिन में 200 किलोमीटर गाड़ी मेरा चला है। तो कितना पेट्रोल लगा है मुझे एकदम परफेक्ट मालूम नहीं है क्योंकि मेरा गाड़ी का ऑडोमीटर मैंने कैप्चर नहीं कर पाया था। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दूँ कि मेरा गाड़ी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एक दिन बंद भी हो गया था तो बहुत ख़राब एक रिव्यू आने वाला है बजाज सिटी 100 के ऊपर। तो मैं अभी जल्दी से जल्दी लेके आने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो एक वीडियो आने वाला है बजाज सिटी 100, आप लोगों को लेना ही नहीं है। 110 BS6 का इंजन है, खास तरीके से लेना ही नहीं है। तो इसका जो झोंका है नेक्स्ट वीडियो परफेक्ट डिटेल से बताऊंगा क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ नहीं लेना है। तो एक बात बता दूँ कि मेरा गाड़ी बहुत ही रेस कर रहा है बोले तो मतलब घोड़ा जब भागता है उसको जब चाऊ मतलब ऐसा खींच के पकड़ते हो और वो भागता है तो वो मतलब गाड़ी भागने की कोशिश कर रहा है। उसको आप ब्रेक लगाओ और उसको आप कुछ भी करो ठीक है, गियर में मतलब न्यूट्रल में कर दो तभी गाड़ी भागने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतना रेस हो रहा है मुझे गाड़ी चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। बस दोस्तों ऐसा ही था आज का दिन, उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। बस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।